सेक्सुअल हरासमेंट व्हाट्सएप का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगाया जी उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। व्हाट्सएप हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो व्हाट्सएप दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तुलने में दिखाएंगे अपना। खिलाड़ियों का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खी में आने की वजह है कि बृजभूषण सरन सिंह पर कोई कार्यवाही ना होना, ये दिखाता है कि मोदी सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के लिए किस तरीके से हटकंडे इस्तेमाल कर सकती है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये पहलवान साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर पहलवान विनेश फोगाट सच्चाइयों को बताती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर बृजभूषण सरन सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही मोदी सरकार करती हुई नजर नहीं आती है, यहाँ पर खेल मंत्री कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर हमें कब इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। यहाँ पर विनेश फोगाट कहती हुई नजर आती हैं कि लगातार पहलवान खिलाड़ियों के खिलाफ गलत कार्यवाही हो रही है, उनके खिलाफ ही शिकंजा कसा जा रहा है, बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है और इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार वो साबित होते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में वो फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं और तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट तो है, तमाम और खिलाड़ी भी मौजूद हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बृजभूषण सरन सिंह पर आता है कि यहाँ पर मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, उन पर जो केस दर्ज किया गया था उन पर सुनवाई नहीं हो रही है, पहलवान लगातार मांग कर रहे हैं कि यौन शोषण के मामले में वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं कसा जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर विनेश फोगाट कहती हुई नजर आती हैं कि अगर बृजभूषण हमें कुछ करवा देगा उसके बाद क्या सरकार कुछ करती हुई नजर आएगी। क्या कुछ कहा है विनेश फोगाट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ, बताना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या बृजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, क्या आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? CBI जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना, हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम तो रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है? आप सभी लोग कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, फेवर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। जिसने दर्ज किया उसमें से कोई आएगा क्या? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है, ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर है ये तो, कि नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की को लाके मैं खड़ा कर दूंगी तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी? कुश्ती की शुरुआत है उनकी, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। विनेश, आपने जब धरना, जब आप लोग आए थे 2 महीने पहले, आपने कहा था कि हम तब तक कुश्ती नहीं करेंगे जब तक ब्रिजभूषण नहीं जाएंगे, बट उस धरने में कई लोग हैं जो वापस चले गए, रैंकिंग खेल रहे हैं वर्ल्ड, तो इससे एक अजीब सा इम्प्रेशन जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कुश्ती कितने दिन कोई छोड़ सकता है, हम सब्र कर रहे हैं, हमारा भी सब्र का बांध टूटा हुआ है। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम एज ए सीनियर हम इस चीज को ले सकते हैं, हम इस दर्द को लगा लो या इस कठिनाई को हम झेल सकते हैं, हमने इतनी मुश्किलें देखी, हम इसको झेल सकते हैं, हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाए। वो कुश्ती कर रहे हैं लेकिन आज वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं कि क्या उनको भी नहीं पता क्या होने वाला आने वाला भविष्य। कुश्ती का करियर स्टार्ट हुआ है और हम दांव पे इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान की दया से हमें कुश्ती के जरिए अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हम आने वाले आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाले जो पहलवान है उनका जीवन हम दांव मतलब खराब नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में? कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट व्हाट्सएप का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगाया जी उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। व्हाट्सएप हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो व्हाट्सएप दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे
फेडरेशन बनाने में और तोड़ने में दिखाएंगे अपना। आपने 7 लड़कियों का नाम, ये एक माइनर है, क्या आप बता सकती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बड़ी नाम अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है, मैं नाम नहीं बता सकती ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं, बड़े नाम है, छोटे नाम है, खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है बड़ा होता है। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? कुश्ती का परिवार कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए, मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे, पूरा देश देखे तो सही। अरे मत लड़ो, अरे भाई। लेकिन मैडम ये बताइए कि 3-4 लोग ईश्वर 10 उसमें है, मेरी कॉम है, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता, उसको भी सरकार ने प्रभावित किया है? देखिए जी, आप कमेटी से जाके पूछो ये बात, तो मैं ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी, क्या नहीं कर रही है, बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने न्याय मांगने आए थे, आज भी हम देश की जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है दिनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है, वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले जो हमारे साथ में गलत हुआ है, वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है शायद। इस कमेटी उनकी बात सुन रही है, अगर आपकी बात हुई है तो क्या कमेटी बात सुन रही है? कमेटी मैंने पता जी सुन रही है नहीं सुन रही है, क्या बताया, क्या कह रहे हैं विक्टिम, क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी बात हुई है? सर उन्होंने अपनी कम्प्लेन जो है दर्ज करवा दी है थाने में और उन्होंने जो लीगल प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट कर दी है और जो भी अपनी उन्होंने जो थी वो डायरेक्ट लिखित में जो है एसएचओ साहब को दे दिए, तो अब तो काम तो जो है पुलिस का हो गया ना स्टार्ट, उन्होंने तो अपनी कम्प्लेन दे दी रिटर्न में। इसका मतलब कि आप कमेटी का जो भी प्रोसीजर है जो काम है उससे असंतुष्ट हैं वो लोग, इसीलिए पुलिस में हैं? एक्चुअली हमारे संज्ञान में कुछ आया नहीं कि कमेटी की और मंत्रालय की आपस में क्या बात हुई, कमेटी ने क्या जो है रिपोर्ट दी है, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं, तो हम आपको कैसे जवाब दे पाएंगे उस बारे में, वो तो आप मंत्रालय या कमेटी जो है कभी क्लियर कर पाएंगे। देखिए जिस दिन पहले दिन आए थे, हम पहले भी आए थे तो हम 8-10 लोग ही आए थे, तो हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो, हमने पहलवानों को इसलिए नहीं बताया कि भाई आप आइए, लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से सारे देशवासी जितने भी खिलाड़ी हैं, मीडिया कर्मी हैं, देशवासी हैं, हम सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये धरना जब तक चालू रहेगा जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। हमारी डिमांड कोई भी नहीं है, हमारी डिमांड ये है कि कुश्ती सेफ हाथों में जाए, अच्छे लोग कुश्ती में आए जो देश की कुश्ती को आगे बढ़ाए, ना कि उसमें बाहुबली बदमाश और लड़कियों को जो परेशान करने वाले लोग इसमें आए। ये केस के बारे में क्या मांग रहे हैं? केस के बारे में मैडम बताया तो है कि भाई हमने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दे दी है। 48 घंटे हो गए जी, हमने लिखित में कंप्लेंट दी है, 48 घंटे से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, हमें जंतर मंतर पे बैठने की भी परमिशन पुलिस ने नहीं दी है, हम बैठे हैं, पुलिस अभी भी हमें जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं दे रही है, इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि देश की जनता से हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाए, उच्चतम न्यायालय से हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाए। साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर अगर इन पर कोई कार्रवाई होती भी नजर नहीं आ रही है ब्रिजभूषण सरन सिंह पर, तो यहाँ पर पहलवानों का आरोप लगाना सही साबित होता है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक कार्रवाई नहीं होना और कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ पर मरवाया भी जा सकता है, मार भी जा सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पर हम दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले भी बैठे थे, अब दोबारा यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हो दिखाई दे रहे हैं, साबित करता है कि ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है और हमारे ऊपर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है और ब्रिजभूषण कुछ भी हमारे खिलाफ कर सकता है, ऐसा उन्होंने सबूत पेश किया है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।